अर्चना जी कैसी हैं आप? हाँ बहुत अच्छी हूँ, तो कैसा है? आपको इस ढाबे की खासियत पता है? क्या? गैस कीजिए। मुझे तो कोई खासियत नहीं लगती। बताता हूँ। हम ना यहाँ पर ना हाइजीन का बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा खैर, आपसे एक बात करनी थी अर्चना जी। क्या? कल मेरे ढाबे पे खीर बननी है, लेकिन राशन वाला मुझे काजू नहीं दे रहा। वो कह रहा है जाकर पहले उस बंदे को लेकर आओ जिसने कभी काजू खाए हों। फिर मेरे दिमाग में आपका ख्याल आया। मेरा क्यों? क्योंकि आपने तो काफी सिद्धू साहब के काजू इधर उधर किए हुए ना। ये क्या हुआ? एक मिनट रुको। ओ अर्चना जी, हो गया सिद्धू साहब का हमला। मैं तो कहता हूँ कर दो बादाम वापस उनके। अब प्रॉब्लम होने वाली है। धीरे आओ यार। ए बॉल ढाबे पे लगी तो आउट हो गया तू। लेकिन मैं तो आउट हो ही नहीं सकता ना। क्यों? अरे बैट मेल है, बैट जिसका होता है वो आउट थोड़ी होता है। ओए को क्या बोल रही? क्या कर रहा है? अब कौन लोगे तुम? हेलो अंकल, माई सेल्फ डोनाल्ड ट्रंप एंड हीज पुतिन। अच्छा। अरे दिखता नहीं क्या हम लोग बच्चे लोगे? ए बेटा इधर आओ तुम। क्या हुआ? तुम अपने खानदान के इकलौते बच्चे हो ना? ओ अंकल, आपको कैसे पता चला? तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि खानदान की सारी इन्वेस्टमेंट तुम पे ही हुई है। अंकल आप भी अपने खानदान के इकलौते हो ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? आपको भी देख के पता चल रहा है आपके खानदान के पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं था। ओ यार कितना फनी है यार तू, कितना कॉमेडी है तू। ये देख कितनी रौनक है इधर, चमक चमक। ये हम लोग कपिल शर्मा शो पे आए हैं। अरे वो देख मड वाली आंटी। आंटी हेलो। आंटी एक बार वो डरावनी वाली हंसी हंसो ना। आंटी एक काम करो ना, बिल मतवाली आंटी वो पतीले में से बॉल निकाल के दे दो ना। वो क्यों निकालेगी? अरे सिद्धू अंकल को निकाल दिया शो में से, पतीले में से बॉल नहीं निकाल सकती। हेलो अंकल, हेलो। खैर हम इनसे इतना इज्जत से क्यों बात कर रहे हैं? जाके मालिक को बुलाओ। ओ मैं ही मालिक हूँ। आप ही मालिक हो? चंदू तेरे ढाबे पे कस्टमर आया आज। ओ अंतल, इतिहास गवाह है, जून के महीने में ठंडी, दिसंबर के महीने में गर्मी, और इस ढाबे पे कस्टमर आते नहीं, आते नहीं, आते नहीं। ओ वाओ यार। हाय अंकल। अंकल आप कपिल शर्मा शो हो ना? हाँ। तो बताओ ना, जब ये पैदा हुआ था तो क्या हुआ था? तू कितना फनी है, तू कैसे कहता इतना फनी, तू कॉमेडी किया कर रहा है। मैं तो चॉकलेट देना, चॉकलेट दे दूंगा, चॉकलेट चॉकलेट देना। अंकल हम दोनों बहुत फनी है ना? बहुत फनी हो। तो इसको निकाल दो ना फिर। ओए तुम दोनों हो कौन? हेलो अंकल, मैं हूँ रामलाल, रामलाल रामलाल। और तुम? अंकल I'm Dhaniram, Dhaniram. ये क्या मेट्रो के जमाने में रेट्रो बच्चे? अंकल अंकल दरअसल बात पता क्या है, हमारे बगल में ना दो खड़ूस अंकल रहते हैं। अच्छा। रामलाल और धनीराम। अच्छा। उन्होंने ना हमारी बॉल रख ली तो हमने उनका नाम रख लिया। अब गड़बड़ हम लोग करते हैं और गालियां वो लोग खाते हैं। तो कपू अंतल, क्या आपके यहाँ पे ना मेहनत देता है आपके शो पे, यहाँ पे कभी कभी वो नोरा फतेही आती है ना, तो आपका तो बहुत मन करता होगा ना उनको ऐसे कॉफी के लिए ले जाने के लिए। हाँ मतलब लेकिन नहीं जाना अंकल। क्यों? आपकी शादी हुई हुई है, शादी वापस ले जाएंगे लड़की वाले। लेकिन नहीं जाना, मत जाना लेके। ओ यार कितना फनी है यार तू, कमाल है यार तू, यार कितनी फनी बात है। ज्यादा फनी बात मत करना यहाँ पे, नहीं तो ये लोग रख लेते हैं।
मैं आकर फली लो तो यहाँ पे लगते हैं हाँ। तो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम तो सारे एहसान मामे थोड़ी करते हैं, कुछ हाँ? दोस्तों को भी करने पड़ते हैं। इस बात पे मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ अंकल, अब घोड़ा बनो ना, मेरे को आपके ऊपर बैठना है। बनो ना अंकल। मैंने स्कूल में तुम्हारी शिकायत लगा देनी है, तुम पढ़ते नहीं हो। अगर शिकायत लगाने से स्कूल के बच्चे पढ़ने लगते तो आज आप किसी बैंक में मैनेजर होते। तो जाओ फिर बैंक के मैनेजर को पूछो जाकर चंदू के अकाउंट में कितने पैसे हैं। क्या बात है, वाह अंकल तो एकदम हर्ट हो गए। अंकल बुरा मत मानो अंकल, आपके पास बैंक में बहुत पैसा है अंकल, और आपने पढ़ाई लिखाई भी बहुत की थी। एक सवाल पूछूं अंकल आपसे हिस्ट्री का? हाँ पूछो बेटे। 2+2 कितना होता है? ओ बेटे ये हिस्ट्री का नहीं, ये मैथ का सवाल है। टीचर ने परसों पूछ लिया था ना, अभी तो हिस्ट्री हो गया ना। ओए कपूर तुम साइड पढ़ो। क्या बोले? मैं देखता हूँ तुम्हें। अंतल क्या तल रहे हो, आप तो हमको देख लोगे क्योंकि हम लोग क्यूट हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा देर आपको देख नहीं पाएंगे क्योंकि आप बहुत अनक्यूट हो। कपिल शर्मा जी अंकल, हाँ? आपको इसके बारे में एक बात बताऊं? क्या? ये इतना डरपोक है, रात को सुसु जाते हैं ना तो अपनी मम्मी को साथ में लेके जाता है। रामलाल ये बात नहीं बतानी थी, ये क्यों बोली? तूने मेरे बारे में बात बताया ना, मैं तेरे बारे में भी बताऊंगा। आपको पता है इसके पापा ना इतने ज्यादा दलपोक है, इतने दलपोक है, इसके पापा जब रात को टॉयलेट जाते हैं ना मम्मी को साथ में लेके जाते हैं। हैं बताऊं बताऊं बात क्यों बता दी तूने? मुझे बता, मैं भी बताऊंगा ना। ये अंडरवेयर नहीं पहनता पता है? तो मैं भी बताऊंगा, ये ना अभी अंदर अपने पापा के अंडरवेयर पहन के आया है। दिखा दिखा सब। नहीं नहीं नहीं, अब पता है ये भी अपने पापा की अंडरवेयर पहनता है, इसको बहुत छोटी पड़ती है। तेरे से ज्यादा अच्छा वाला बोला मैंने। कपू वैसे इनको देखकर हमें हमारा बचपन याद आ गया ना। तेरे बचपन की कोई याद थी तेरी? क्यों? तेरे तो दुख दर्द थे तेरे तो बचपन में। बचपन होते इन बच्चों के देखो। मुंबई में पढ़े लिखे, और तेरे को तो पैदा होते 14 साल की जेल हो गई थी। तो सोच लो फिर, जिसने बचपन जेल में काटा हो वो जवानी में क्या नहीं कर सकता। क्या बात है, दोनों का झगड़ा लगा दिया हम लोग। इससे पहले ये लोग हमको माले, हम लोग चलते हैं यहाँ से। ओते ओते अंदल यू बॉल तंती अंदल ओते बाय बाय। बच्चे निकल गए, तुम भी निकलो। मैं भी निकल रहा हूँ। हाँ निकलो फिर। अर्चना जी आज जो मेहमान हमारे बीच आ रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में लोग इन्हें कॉन्फिडेंस का बादशाह कहते हैं। डायलॉग डिलीवरी में इनका अंदाज सबसे निराला है, इनके आगे अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं जब ये अपनी दमदार आवाज में कहते हैं खामोश। तो समझ तो आप गए होंगे कि मैं किनकी बात कर रहा हूं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम हम सबके चहेते लेजेंडरी एक्टर मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा। थैंक यू। एक तो आपकी दमदार आवाज और ऊपर से इतना खूबसूरत संदेश। सर ये बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और मैंने वीडियो देखा कल इसका, मुझे लग भी रहा था कि आज के माहौल में इन सब चीज़ों की, ऐसे गानों की या ऐसे माहौल की बड़ी ज़रूरत है कि जब हम ज़रूरत में किसी के लिए ज़रूरी हो जाएं। सो थैंक यू सो मच सर, ये बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां शत्रु सर के लिए। तो ये गाना जो है ये इसका बड़ा ही खूबसूरत थॉट है कि जब आप की किसी को जरूरत हो उस समय आपको वहां होना जरूरी है, उसके लिए जरूरी हो जाओ आप। जैसे शत्रु सर सिद्धू सर जब यहाँ पे बैठते थे तो वो जरूरी थे, लेकिन इनका यहाँ बैठना इनकी जरूरत है। तो कभी कभी ना जरूरी आदमी का तख्ता पलट कर देता है जरूरतों वाला आदमी। अब क्या कहें, हमने सुना था नारी भारी होती सर, लेकिन नारी इतनी भारी होती है ये हमें अभी 1 साल पहले ही पता चला है। शेर पे भी भारी है इनकी गर्जना, ओहो तभी तो इतने जानदार शानदार और दमदार सिद्धू की सीट पे विराजमान है हमारी अर्चना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।